भारत के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में रविवार को न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढ़ा ने शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जस्टिस लोढ़ा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। पद संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि वह जजों की नियुक्ति के मामले में व्यापक परामर्श पर जोर देंगे। बिसाइड्स द मेंबर्स ऑफ द कॉलेजियम द कंसल्टेशन शुड बी हैड विद एटलीस्ट 3 जजेस आउटसाइड द कॉलेजियम एंड 2 to 3 लॉयर्स ऑफ इमिनेंस with impeccable integrity. So this is how I actually want to have wider inputs and have better selection. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में वर्तमान प्रक्रिया का समर्थन करते हुए जस्टिस लोढ़ा ने कोलिजियम सिस्टम को सही बताया। Presently in the circumstances I don't think there is any other suitable system. Look, these all, whatever way, ultimately this is recommendatory body comprises of judges who day in and day out see the conduct of judicial officers if they are to be elevated, see the conduct of the lawyers. कोयला आवंटन और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे मामलों की सुनवाई कर रही पीठ की अध्यक्षता कर चुके जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि नीतिगत मामलों में अदालतों के गैर जरूरी दखल के आरोप सही नहीं हैं। When we look at the policy matters, again we give due regard that yes, this is the domain of the government. Unless they violate Article 14, they violate fundamental principles of Constitution, which cannot stand. Our every decision is guided by the constitutional policy. हाल ही में उन्होंने सांसदों व विधायकों के खिलाफ अदालतों में लंबित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई एक साल में पूरी करने का भी फैसला सुनाया था। 1973 में राजस्थान बार काउंसिल में वकील के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले जस्टिस लोढ़ा को जनवरी 1994 में राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। वह 13 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में भी न्यायाधीश रहे। 2008 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले वह पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे। विकास सारथी, DD News, दिल्ली।